हेलो। आज जो हम लोग कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है इंटरवीलैन राउटिंग। बेसिकली ये चीज सबको पता है कि अगर हम लोग स्विचेस पे एक वीलैन बनाते हैं तो जो ट्रैफिक आता है वो अलग अलग वीलैन का ट्रैफिक आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए या इस अगर हम लोग मतलब भी अपनी वीलेंस को इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं ताकि जो सारा ट्रैफिक जो भी राउटर पे आ रहा है, जो भी स्विच पे आ रहा है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो हमें बेसिकली इंटर वीलेन कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, इंटर वीलेन राउटिंग। तो इसी कंसेप्ट को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक लैब बना के देखेंगे हम लोग। मैंने पैकेट ट्रेसर मेरा पहले खोल रखा है, इसमें मैं अपना लैब के लिए आगे सेटअप करता हूँ। मैं एक राउटर ले रहा हूँ और एक स्विच ले रहा हूँ मैं। बेसिकली पहले मैं स्विच पे वीलैंस कंसेप्ट को क्लियर करवा देता हूँ आपको। अगर किसी को वीलैन बनाने में इश्यू है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और हम लोग फिर वीलैन बनाने के बाद पिंग करके देखेंगे कि अगर हम लोग इंटर वीलैन कंसेप्ट नहीं यूज करते हैं तो हमारा जो डाटा है या हम लोग एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग कर सकते हैं या नहीं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वीलैंस के अंदर कनेक्ट की गई है स्विचेस के साथ पीसी है। तो उसके लिए सॉरी अनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस वीलैन एक 101 से लेके मैं 102 तक बनाता हूँ। 101 और 102 सॉरी वैसे हम लोग इंटरफेस वीलैन पहले 101 बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको आईपी एड्रेस भी असाइन कर देते हैं यहीं पे 192.168.1. डॉट मैं इसको दो कर रहा हूँ असाइन, एक आईपी में रख रहा हूँ इंटर वीलैंड के लिए। वैसे तो हम लोग सबनेटिंग यूज कर रहे हैं तो हम लोग कोई भी आईपी कहीं भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम लोग अगर राउटर पे एक आईपी लेते हैं और स्विच पे दो आईपी लेते हैं तो मैनेज करना और इसको याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद इंटरफेस वीलैन 102 आईपी एड्रेस, इसको मैं अलग से इसका आईपी दे रहा हूँ। वैसे तो 2.2 यहाँ पे मैंने 101 वीलैन के अंदर 1.2 यूज किया है नेटवर्क, और इसके अंदर मैं नेटवर्क 2.2 यूज कर रहा हूँ। अब मैं पोर्ट्स को ये वीलैन असाइन कर देता हूँ, एक्सेस बना देता हूँ। मतलब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पोर्ट को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 101 एक्सिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 पोर्ट को मैं एक्सेस बना के वीलैन 102 असाइन कर देता हूँ। अब मैं इनको स्विचेस के साथ कनेक्ट करता हूँ और हम लोग इनको पिंग करके देखते हैं पहले। पीसीस को आईपी असाइन कर रहा हूँ मैं। इसको हम लोग ने 100 जो हम लोगों ने पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/2 यूज़ किया था उसमें हम लोगों ने 192.168.1. 1.3 इसको आईपी दे रहा हूँ। 1.1 इसका गेटवे हो गया।
मैं यहाँ से पिंग करके देखूंगा 105 1.2 अगर मैं पिंग कर रहा हूँ। हाँ ये पिंग हो रहा है, यानी कि मैं स्विच तक इजीली पहुँच रहा हूँ और मेरी वी लैन अच्छे से कॉन्फ़िगर हो गई है, वी लैंड का डाटा जो भी है। इसी तरह मैं 102 वाली जो वी लैन है उसके अगेंस्ट जो भी आईपी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किए थे वो आईपी मैं मतलब दे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ पीसी के अंदर 2.1। आई थिंक सेम आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया 2.3 नहीं ये सही है, पिंग क्यों नहीं हो रहा 192.168 2.1 जस्ट वेट अ मिनट। कॉन्फ़िग इंटरफेस यहाँ से देख लेते हैं हम लोग 2.2 सही है। सॉरी सही था, हम लोगों ने वहां पे आईपी नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ तो वो कैसे पिंग होगा। अब मैं ये देख रहा आपको दिखाता हूं कि अगर हम लोग इस पीसी से 2.2 जो कि स्विच पे कन्फिगर है, अगर मैं हम लोग पिंग करेंगे तो वो पिंग नहीं आएगा, ये अदर नेटवर्क हो गया जो कि अदर वी लैन को असाइंड है। तो जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वी लैंस की, जो नेचर है इनका, वो आपस में इनको पिंग नहीं करने देता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटर वीलैन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जो राउट स्विच का फास्ट इथरनेट 0/1 वाला पोर्ट है उसको मैं बेसिकली उसको कनेक्ट कर रहा हूँ और उसको पहले बनाना पड़ेगा ट्रंक। तो हम लोग उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं पहले फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट इनकैप्सुलेशन .1Q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड 101 एंड 102 हमारे पास जो वी लैन हम लोगों ने कॉन्फ़िगर की थी वो यहाँ से वहाँ पास सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वी लैन 101 एंड 102 हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग डू राइट कर लेते हैं स्विच को और इसके बाद हम लोग राउटर पे चलते हैं, राउटर की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं। हमें इंटर वीलैन बनाने के लिए हम लोगों को जो भी राउटर का पोर्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पोर्ट के आगे सब इंटरफेस बनाने पड़ते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जो बेसिकली जो पोर्ट यूज़ करते हैं सिर्फ उसको नो शट करके हम लोग रख लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके आगे सब इंटरफेस बनाएंगे, 0x0.1, ये पहला सब इंटरफेस हो गया। और हम लोग यहाँ पे इसके अंदर वो वीलैन कैसे पास करेंगे, जो हमारा कंसेप्ट है इंटर वीलैन राउटिंग। तो हम लोग करेंगे इनकैप्सुलेशन .1Q, और जो वीलैन आईडी हमारी है, तो इस पोर्ट को हम लोग जो वीलैन आईडी पास कर रहे हैं वो 101 है। यहाँ पे अगर हम लोग आईपी ड्रेसेस असाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग मतलब अगर नहीं भी करेंगे तो भी वो चल जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे का जो सेकंड 102 वीलैन है उसको भी हम लोग इनकैप्सुलेशन .1Q, और यहाँ पे 102 हम लोग पास कर देते हैं, वीलैन पास कर देती है। और मैंने आईपी एड्रेस भी असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे 168, यहाँ पे .1, सॉरी, एग्जिट डू राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको शो कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देते हैं, स्टार्ट कॉन्फ़िग। यहाँ पे जो 0x0 बेसिक पोर्ट है उसको हम लोगों ने सिर्फ नो शट करके रख लिया है, और हम लोगों ने आगे सब इंटरफेस ये दो बनाए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन .1Q के साथ हम लोगों ने वो वीलैन आईडी पास कर दी है, जो वीलैन आईडी हमारी स्विच पे कन्फिगर है, और उसी के साथ हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन कर दी है। नाउ हम लोग पिंग करके देखेंगे 198.161.1। अब जो राउटर के अंदर 102 वीलैन आईडी के साथ हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी 192.168 .2, और हम लोग लेकिन पिंग अभी किसको कर रहे हैं, 192.168.1.1 को। इसी तरह हमारा जो स्विच का पीसी का आईपी है, अगर हम इसको पिंग करेंगे तो अब वो पिंग होना चाहिए 1.3। जी लीजिए, ये हमारा जो हम लोगों ने वीलैन 101 के अंदर पीसी को आईपी दिया था वो भी अब हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।